हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव। जो भी स्टूडेंट IBPS मतलब बैंक एग्ज़ाम, बैंक की जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। ओके, IBPS ने 2018-2019 के टेंटेटिव कैलेंडर्स निकाल दिए। ओके, मींस IBPS जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनके कैलेंडर्स, उनके डेट आ गए हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही खुशखबरी है जो भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि IBPS कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ओके, तो IBPS सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं IBPS PO। ओके, उसके बाद IBPS क्लर्क, IBPS RRB एंड द स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ओके, तो इन सभी चारों एग्ज़ाम के जो है IBPS क्लर्क एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और सभी के डेट्स आ गए हैं। ओके दोस्तों, तो सो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं। ओके, तो पहला एग्ज़ाम होने वाला है IBPS PO के प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये दो फेज में होने वाले, एक तो प्रीलिम्स में होंगे और एक मेंस में होंगे। ओके, तो प्रीलिम्स मीन्स हो गया जो क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। ओके, मतलब इसके जो कट ऑफ होंगे, ओके, कट ऑफ जितने भी होंगे वो क्रॉस करेंगे, वही जाके मेंस में बैठ सकते हैं। ओके, और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। सो प्रीलिम्स कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होंगे और ये आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और मेन्स जो होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे और 180 मिनट्स दिए जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि प्रीलिम्स कब कब होंगे। प्रीलिम्स 4 दिन होंगे। ओके, 4 दिन ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट 13th अक्टूबर, 14th अक्टूबर, 20th अक्टूबर एंड 21st अक्टूबर। ओके, और मेंस जो होंगे वो 18 नवंबर को होंगे। ओके, मेंस 18 नवंबर को होंगे, उसके बाद मेंस अगर क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है IBPS क्लर्क का। ओके, तो IBPS क्लर्क में भी जो है वो दो फेज में होंगे, प्रिलिमिनरी और मेंस। ओके, तो प्रीलिम्स जो होंगे वो अगेन 100 मार्क्स के क्वालिफाइंग होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ओके, और मेंस अगेन जो होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे और आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। ओके, 2 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे, मीन्स 120 मिनट। ओके, तो लेकिन IBPS क्लर्क में क्या है कि इंटरव्यू नहीं होता। ओके, इंटरव्यू नहीं होता, तो आपको अगर आप ये क्वालिफाई कर लिए, मेंस क्वालिफाई कर लिए, मीन्स मेंस के कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और ये स्टेट वाइज होते हैं। ओके, स्टेट वाइज होंगे। ओके, स्टेट वाइज सिलेक्शन होता है इनका। ओके, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 8 दिसंबर, उसके बाद 9 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। ओके, प्रीलिम्स 4 दिन होंगे ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी 2019। ओके, नेक्स्ट ईयर होंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं IBPS RRB। ओके, IBPS RRB ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट, दो एग्ज़ाम IBPS RRB मीन्स हो गए रीजनल रूरल बैंक के लिए कंडक्ट करवाते हैं। ओके, तो इनका भी दो फेज में एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम्स में होता है और एक मेंस में होता है। ओके, तो प्रीलिम्स में देखा जाए तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए होता है। ओके, और सिंगल जो ये आप देख रहे हैं सिंगल एग्ज़ाम, ये होते हैं ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए। ओके, तो ऑफिसर स्केल 2 और 3 जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए होते हैं। ओके, जो जॉब कर रहे हैं RRB में उनके लिए ये कंडक्ट होते हैं और ये उनका सिर्फ एक ही पेपर होगा जो कि 30th सितंबर को होगा। ओके, तो प्रीलिम्स जो होते हैं वो अगेन क्वालिफाइंग होते हैं और इनका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इनका भी 6 दिन होंगे। ओके, 6 दिन होंगे। ओके, तो पहला होगा 11th अगस्त, 12th अगस्त, 18th अगस्त, 19th अगस्त, 25 अगस्त और 1 सितंबर। ओके, तो देखा जाए तो ऑफिसर स्केल 1 जो है वो आपको इनका जो होगा वो क्वालिफाइंग, मतलब दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होंगे। ओके, तो आप इनका कट ऑफ क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप जाके मेंस में बैठ पाइए। ओके, तो और ये 6 पेपर होंगे। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं मेंस। ओके, मेंस जो होते हैं वो अगेन 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ओके, 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ओके, तो पहला है ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो ऑफिसर स्केल 1 जो है वो 30th सितंबर को होंगे। ओके, और ऑफिस असिस्टेंट होंगे 7 अक्टूबर को। ओके, तो लेकिन ये जो ऑफिसर असिस्टेंट जो है वो सिर्फ मेंस पेपर, इनमें इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, इंटरव्यू नहीं होता। ओके, इंटरव्यू जैसे IBPS क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता, वैसे ही RRB ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता। ओके, तो सिर्फ आप मेंस क्वालिफाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो लेकिन ऑफिस स्केल 1 में इंटरव्यू भी होते हैं। ओके, इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई कॉल किया जाएगा जब आप मेंस का
कट ऑफ क्लियर कीजिएगा. ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट है आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर. ओके आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में तो देखा तो ये जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट, आप समझ नाम से ही लग रहा है ये कि स्पेशलिस्ट लोगों के लिए होता है. ओके जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब जिनको आता है उनके लिए कॉल आता है, उनके लिए ये एग्ज़ाम है. ओके तो इनका भी दो फेज में एग्ज़ाम होता है, एक प्रिलिमिनरी और एक मेंस. ओके तो प्रीलिम्स जो होंगे वो 29 दिसंबर को होंगे और एक सेकेंड पेपर होंगे 38 दिसंबर को. ओके और द मेंस हो गए उनका 27 जनवरी को होगा. ओके तो इनका मेंस क्वालिफाई करने के ये भी क्वालिफाइंग होते हैं. ओके क्वालिफाइंग होते हैं और मेंस का मैक्स मेंस का मार्क्स जो है वो ऐड होंगे. उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा. ओके इंटरव्यू का भी मार्क्स होता है. ओके तो इंटरव्यू और मेंस का जो मार्क्स का वेटेज होता है वो 80:20, मतलब 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके मेंस के मार्क्स होंगे और 20 जो होंगे वो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे. ओके वेटेज हो गए इनके. तो इसलिए आप जब भी मतलब तो इसको मेंस में आपको स्कोर, मेंस में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और इंटरव्यू में भी स्कोर करना पड़ेगा. ओके तो दोस्तों आपको मेरा